नमस्कार, मैं निर्मल कुमार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस साल नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास व्हाट्सअप स्टिकर भेज कर नए अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो करें। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर। अगर बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप स्टिकर भेजने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन करें। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप जिस व्यक्ति के पास व्हाट्सएप स्टिकर भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट ओपन करें। कॉन्टैक्ट को ओपन करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की ओर नज़र आ रहे चैट बॉक्स में ही लेफ्ट कॉर्नर के पास एक इमोजी का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की ओर दिख रहे स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद राइट साइड में नज़र आ रहे माइक आइकन के ठीक नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नीचे की ओर गेट मोर स्टिकर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही गूगल प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन होने के बाद ऊपर की ओर सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च बार पर पहले से लिखा हुआ मिलेगा WA स्टिकर ऐप्स, आप इसमें ही लिख दें नवरात्रि। लिखने के बाद सर्च कर लें। सर्च करते ही इस तरह से बहुत सारे ऐप आ जाएगा, तो आप अपने अनुसार से यहाँ से डाउनलोड कर लें। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने पहले ही ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करते ही इस तरह से बहुत सारे स्टिकर्स नज़र आएगा। अब इसे व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए नीचे की ओर दिख रहे ऐड टू व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से ऐप ओपन करने का ऑप्शन आएगा, आप ऐप को ओपन कर लें। ऐप को ओपन करने के बाद फिर से ऑप्शन नज़र आएगा, आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें जो कि राइट साइड में नज़र आ रहा है, क्लिक करें। क्लिक करते ही व्हाट्सएप स्टिकर ऐड हो जाएगा। अब वापस आएं। वापस आने के बाद आप देखेंगे कि स्टिकर में जो कि ऊपर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं माँ दुर्गा का इमोजी नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देख सकते हैं बहुत सारे इमोजी आ चुका है। अब इसे भेजने के लिए इसके ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करते ही देख सकते हैं व्हाट्सएप स्टिकर चला गया है। इस व्हाट्सएप स्टिकर को आप किसी अन्य व्यक्ति के पास भी भेज सकते हैं। अभी मैं भेज के दिखाता हूँ। वापस आएँ। वापस आने के बाद तो चलिए मैं इस वाले कॉन्टैक्ट पर भेज के दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट को ओपन करने के बाद नीचे की ओर दिख रहे चैट बॉक्स में ही लेफ्ट कॉर्नर के पास नज़र आ रहे इमोजी वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से आ जाएगा, आप माँ दुर्गा के फोटो नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे नवरात्रि का स्टिकर नज़र आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके भेज दें। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके को इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति के पास व्हाट्सएप स्टिकर भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।